तो 50 और 90 रुपए, इतना महंगा क्यों रखा आपने इसका प्राइस? आप कितने रुपए किलो लेके आते हैं इसको? 80 रुपीस का एक पीस लेके आते हैं किलो भाजी, किलो? हाँ जी भाजी। और आप बेचते हैं 50 रुपए की छोटी प्लेट और 90 की फुल? हाँ जी। कितने की सेलिंग कर लेते हैं? 2500 3000। तो आ जाते हैं लोग खाने के लिए यहाँ पर? खाने के लिए ये चीज़ को मुझे लगता नहीं, ये चीज़ लोग पसंद करते होंगे। तो क्या गर्मी के लिए होता है, अंदर गर्मी पैदा करेगा, तो सर्दी में गर्मी का एहसास है। हाँ जी भाई साहब, नवी जगह आ चुके हैं, नवा स्ट्रीट फूड लेके, और बहुत ही प्यारा सेटअप लगा रखा है, कोई बम्ब सी चीज बेच रहे हैं भाई साहब। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए, नाम क्या आपका? मोहम्मद साजिद आलम। क्या बात है कि मुझे ये बताइए क्या चीज़ है पहले, तो ये इतने बड़े अपने बम रखे हुए हैं? शकरकंदी है भाई जी। शकरकंदी है? हाँ जी सर। और क्या प्राइस रहता है, क्या कितना प्राइस में बेचते हो आप? हाफ का होता है 50 रुपीज। अच्छा जी। फुल 90 रुपीज का होता है? फुल 90। तो 50 और 90 रुपए, इतना महंगा क्यों रखा आपने इसका प्राइस? ये आगे से ही महंगा आता है सर। अच्छा जी, आप कितने रुपए किलो लेके आते हैं इसको? हम तो ये 80 रुपीज। 80 रुपीज का एक पीस लेके आते हैं किलो भाजी, किलो? हाँ जी भाजी। और आप बेचते हैं 50 रुपए की छोटी प्लेट और 90 की फुल? हाँ जी भाजान। अच्छा, क्योंकि इसमें लागत भी हो ना, बाकी कोयला है। अच्छा, चटनी है, नींबू है, मसाला है। क्या बात है जी। अच्छा, कोयला, फिर कोयले का प्राइस भी पड़ जाता है? हाँ, कोयला भी का प्राइस पड़ता है। तो कितना किलो लग जाता है एक दिन में आपका कोयला? कोयला 200 का लग जाता है भाजी। अच्छा, 200 कोयला, फिर तो जायज है। तो ये क्या क्या डालते हैं चटनी, जो आपने कह रहे हैं कि बड़ा बनाते हैं सर? हाँ जी, गुड़ और इमली डाल के ना बनाते हैं। बताइए कौन सी गुड़ इमली वाली है? ये गुड़ और इमली की है दोनों। अच्छा, ये बोर्ड का रखा हुआ आपने? ये कौन सी है? ये सेम चीज है। सेम चीज है। और ये चीज? ये हरी केचप है वजन। हरी केचप होगी, और ये नींबू डाल दिया? नींबू हो गया, मसाला हो गया। अच्छा, हो गए। और कोई मसाला भी खास डालते हैं? हाँ, मसाला बनाते हैं। ये कैसे बनता है? ये जीरा, लौंग, इलायची, काला नमक। काला नमक बनाते हैं? क्या बात है, मतलब 50 रुपए में आप बिल्कुल 136 चीजें डाल देते हैं, तब जाके 50 रुपए का रखा सामान है ना? बिल्कुल भाई। क्या बात है। और ये बाहुबली सा आपने रखा हुआ है? हाँ। ये कितने किलो किलो के होंगे? ये तो किलो किलो का, कोई 1.5 किलो का भी पीस है वजन। कोई 1.5 किलो का? हाँ। अच्छा जी, तो मतलब कितने बजे लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं आप शॉप को लगाना? शाम 4:30 बजे भजन। शाम को 4 बजे है ना? हाँ जी। क्या बात है, ये देखो गर्मा गर्म कोयले जला रखे आपने, और बड़े प्यारे ये शकरकंदी लग रहे हैं, जैसे इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं। ये पहले हाफ बॉयल होते हैं, फिर यहाँ रोस्टेड होते हैं। रोस्ट करते हैं आप इसको ना? हाफ रोस्ट करके ऊपर सजा देते हैं, उसके बाद जो जिसने खाना होता है यहाँ पर, यहाँ मतलब एक तरह से फैट फ्री भी है, बिना ऑयल के आप बना रहे हैं। हाँ। है ना, कितने घंटे शिफ्ट लगाते हैं एक दिन में? एक दिन में वही हो गए 4:30 से लेकर 10:30। तो ये बिक जाती है? हाँ बिक जाती है। बिक जाती है? हाँ जी। कितने की सेलिंग कर लेते हैं एक दिन में? हो जाते हैं 2500-3000। 2500-3000। तो आ जाते हैं लोग खाने के लिए यहाँ पर? खाने के लिए ये चीज को मुझे लगता नहीं, ये चीज लोग पसंद करते होंगे कि झूठ बोल रहे हो? बहुत पसंद करते हैं लोग। बहुत पसंद करते हैं? बिल्कुल भाई। मतलब इतने लड़के भी लड़कियों को पसंद नहीं करते जितने आपके शकरकंदी को लोग पसंद कर रहे हैं ना? अब ये देखना, ये डायलॉग ना कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा जल्दी, मेरे डायलॉग बड़े कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। मैं आपका चैनल देखता हूँ जी, HNV स्ट्रीट फूड का। अच्छा, जितने भी आप डायलॉग बोलते हैं ना, सब कॉपी करते हैं दूसरे यूट्यूबर। क्या बात है, ये देख लो ऑडियंस स्पेशल मेरे पास आके ये बोल गई है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर शॉप को खोले? यहाँ पे 5 साल हो गए भाई जान। 5 साल से आप ये स्वीट पोटैटो बेच रहे हैं? बिल्कुल, सर्दी से ये बेच रहे हैं, गर्मी में लेमन सोडा। तो आप ये बेच तो रहे हैं, इसका बेनिफिट बताइए, बेनिफिट क्या खाने का? क्या बेनिफिट भाई, सर्दी जो होता है ठंड के लिए होता है ना? अच्छा जी, ये होता है क्या गर्मी के लिए होता है, अंदर गर्मी पैदा करेगा, हीट गर्मी पैदा करता है, इसको खाने से ना गर्म महसूस होगा। गर्म महसूस होगा? हाँ, सर्दी नहीं लगेंगे ज्यादा। अच्छा जी, तो मतलब वेजिटेरियन लोगों के लिए जबरदस्त, एक तरह से बॉयल एग हो गया हमारा ना? बिल्कुल भाई। अंडा चिकन जितनी ताकत देता है उससे भी डबल ताकत है, तो ताकत देता है। तो ये आपने चटनी क्यों डालते हैं? विदाउट चटनी भी तो बेच सकते हैं? विदाउट चटनी सर ये गले पे लगेंगे ना, सूखा होता है ना। अच्छा, फिर चटनी के साथ गिल्ला हो जाता है ना, तो नहीं लगते है गले पे। नहीं लगता है। तो प्राइस पहले जब आपने शॉप खोली थी कितना रखते थे प्राइस का था पहले? अभी अभी महंगा करा आपने, ये अभी फिलहाल 10 रुपए बढ़ाए, इस तो पहले 10 रुपए कम था। अच्छा, इससे 10 रुपए कम था। हाँ जी भाई। तो लोग स्वेटर स्वेटर पहनना छोड़ देंगे ट्राई सिटी वाले? नहीं, शर्ट पे भी पा सकते हैं, रह सकते हैं। अच्छा जी, और कौन कौन खाने के लिए आता है आपके पास ये? ये हर कोई आता है, लेडीज जेंट्स हर कोई आ जाता है। लोकेशन बता दो एक बार, कहाँ पर खड़े हैं आप? मोहाली 3B2। अच्छा जी, यहाँ पाल ढाबा के सामने। पाल ढाबा के सामने मोहाली 3B2, ये आ गया जी। उसके सामने हमारे भैया जी बैठे हैं, मोहम्मद साजिद आलम। बिल्कुल, क्या बात है, जिसने गर्मा गर्म ये स्वीट पोटैटो खाने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर भाई की शॉप में आना है। बिल्कुल, और इनका कहना है, कहना नहीं ये बात असलियत है कि इसको खा के कहते सर्दी में गर्मी का एहसास, गर्मी का एहसास। क्या बात है, न्यू डायलॉग आ गया। चलो, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू जी।